दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द गोवन होम कुकिंग चैनल पे। मैंगो के सीजन में हम मैंगो की डिश ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज एक ऐसी गोवन डेजर्ट रेसिपी बनाएंगे कि बात बन जाएगी। रेसिपी का नाम है मैंगो पुडिंग बिल्कुल गोवन स्टाइल में। इसके लिए आपको चाहिए आधा लीटर दूध, एक मैंगो, ये मैंगो मसूरत वैरायटी का है, इसके साथ आपको चाहिए हाफ कप शुगर, 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले दूध गर्म करके लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल होके रेडी हो चुका है। इसके साथ हमने मैंगो का पल्प भी निकाल लिया है। तो अब इस रेसिपी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने मैंगो पील करके लिया हुआ है उसको हम लोग मिक्सर में ऐड करेंगे। पहले आधा कप शुगर लिया हुआ है, पहले मिक्सर में मिक्स करके लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने मैंगो का पल्प और शुगर अच्छे से मिक्स करके लिया हुआ है। अभी इसमें हम दूध ऐड करेंगे और फिर से एक बार मिक्सर में चला देंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमने पूरा दूध इसमें नहीं डाला है जो आधा लीटर गर्म किया था, खाली 1 कप आप बोल सकते हैं इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो ये अभी हमारा दूध, मिल्क और मैंगो का पल्प का मिक्सचर रेडी है। इसको हम बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, हमने जो 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लिया था उसमें हम 1/4 कप दूध ऐड करेंगे जो हमने गरम किया हुआ था और बचा हुआ था। तो इसका हम लोग स्लरी बनाएंगे अच्छे से, इसमें लंप नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अभी आप गैस ऑन कर दो और सबसे पहले पूरा धीमी आंच पे आप रखिए। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, ये ऑलमोस्ट 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क हमने लिया हुआ है और इसके साथ ये जो स्लरी है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए और थोड़े बबल्स आपको दिखने लगे तो इसको बंद कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। गैस बंद करते वक्त आप थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए और बाद में अपने सर्विंग बाउल में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, हमने गैस बंद कर दिया है। अभी मैं इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। मैं इसको अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। For such amazing Govan recipes, subscribe to Govan Home Cooking and press bell button for more updates and notifications.